नमस्कार दोस्तों, शिक्षक दिवस पर आप सभी को बधाई और शुभकामना। सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम और सभी शिष्यों को शुभाशीष। शिक्षक दिवस जो है आज हमारे लिए बहुत ही प्रासंगिक हो गया है। शिक्षक दिवस जो है हर छात्र के लिए एक महत्वपूर्ण दिवस होता है, क्योंकि शिक्षा जो है ये आज के आधुनिक युग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए शिक्षक दिवस का महत्व को समझना हर शिष्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह एक शिक्षक के प्रति सम्मान का दिवस है, खुशी का दिवस है। यह उत्सव जो है हर साल हमारे देश में आता है और इसमें हम जो है जो भी शिष्य है अपने शिक्षक के प्रति अपना सम्मान को जागृत करता है। तो दोस्तों, 5 सितंबर को हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, मैं बिहार छपरा से रुपेश आप सभी के सामने शिक्षक दिवस पर कुछ शब्द लेकर आया हूँ और आपसे मैं विनती करता हूँ कि जो मैं हर एक टॉपिक पर जो ब्लॉग बनाता हूँ, इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अच्छा लगे तो अपने मित्रों पर भी इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। मैं हर एक टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं और आज मुझे खुशी है कि मैं शिक्षक दिवस पर 2 शब्द आपके सामने बोलने का प्रेरित हूं, जागरूक हूं। शिक्षा जो है हमारे समाज के लिए सबसे ज़रूरी विषय है। जो शिक्षित है वही समाज को बदल सकता है, इसलिए शिक्षा का होना बहुत ही ज़रूरी है। और शिक्षक जो है एक राष्ट्र के निर्माण में शिक्षक का सबसे अहम योगदान है। शिक्षक जो है एक नींव है समाज को बनाने में। शिक्षक हमारे देश के को बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। अच्छा शिक्षक जो है अच्छी ज्ञान के द्वारा एक अच्छा नागरिक बनाता है, अपने बच्चों के द्वारा, अपने शिष्यों के द्वारा। इसलिए शिक्षक का जो स्थान है वो सबसे महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हम ये समझे कि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, इस पर हम 2 शब्द कहेंगे। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाने का सबसे जो मुख्य तत्व है कि शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के चलते। डॉक्टर राधाकृष्णन जो हैं, उनका जन्म दिवस है 5 सितंबर और इसी दिन हमारे देश में शिक्षक दिवस मनाने की प्रथा चली। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति थे, उन्हीं के जन्म दिवस पर यह शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ये डॉक्टर राधाकृष्णन जी का जन्म 5 सितंबर 1888 ईस्वी को मद्रास में हुआ था और उनकी पढ़ाई बहुत ही उच्च कोटि की थी और वे बाद में हमारे कलकत्ता विश्वविद्यालय और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत थे और उसके बाद वे आंध्र विश्वविद्यालय और बनारस विश्वविद्यालय में कुलपति के रूप में कार्य किए थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे देश की आज़ादी के बाद सन 1949 ईस्वी में रूस के राजदूत के रूप में नियुक्त हुए, जो 1952 ईस्वी तक वे अपने पद पर रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी 1952 ईस्वी से लेकर 1962 ईस्वी तक हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति के रूप में रहे थे। डॉक्टर राधाकृष्णन जी को 1954 ईस्वी में देश का प्रथम नागरिक सम्मान जो है भारत रत्न, वे उनकी ख्याति और विद्वत्ता को देखते हुए दिया गया था। राधाकृष्णन जी हमारे देश के प्रथम द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में आपको 1962 से कार्य
ग्रहण किया और 1967 ईस्वी तक वे देश के द्वितीय राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। वे एक महान दार्शनिक थे, विद्वान थे और उनकी विद्वता को देखकर ही उनके जयंती पर शिक्षक दिवस मनाने की प्रथा चली। उनके रहते ही लोगों ने उनसे आग्रह किया था कि आपके जन्मदिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि आप मेरा जन्म दिवस नहीं मनाएं, शिक्षकों का सम्मान करें, शिक्षक ही राष्ट्र निर्माता होते हैं, इसलिए आप शिक्षकों का सम्मान करें। तो उनकी मृत्यु के पश्चात आपको ये प्रथा जो है शिक्षक दिवस का शुरू किया गया और 5 सितंबर उनके जन्मदिन के दिन ये शिक्षक दिवस मनाने की प्रथा चली जो आज भी जारी है। और ये शिक्षक दिवस बहुत ही महत्वपूर्ण है एक छात्र के लिए और एक शिक्षक के लिए। छात्र जो है अपने शिक्षक के प्रति आदर और सम्मान की भावना को प्रदर्शित करने का ये बहुत बड़ा दिन है और किसी भी छात्र को इस दिन को एक बहुत ही बड़ा उत्सव के रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि ये जो दिवस है ये केवल डॉक्टर राधा कृष्ण की जयंती के रूप में ही नहीं, एक शिक्षक के प्रति सम्मान का दिवस है, क्योंकि शिक्षक की कड़ी लगन और मेहनत से ही एक अच्छे छात्र का जो है जो अच्छे छात्र हमारे समाज में तैयार होकर आते हैं। इसलिए शिक्षक का योगदान जो है हर छात्र को भूलना नहीं चाहिए। कड़ी मेहनत के साथ वे लगा रहता है कि वो आपको छात्र को सुधारे और इसमें वह लगन से लगा रहता है और बहुत तरह की कष्टों को सहते हुए शिक्षक अपने छात्र को चाहता है कि उसका छात्र हमारे समाज में नंबर वन हो और एक अच्छे नागरिक के रूप में हमारे समाज में रहे। और छात्र और शिक्षक जो है, छात्र भी चाहता है कि शिक्षक हमें अच्छी शिक्षा दे, इसलिए ये शिक्षक दिवस जो है हर छात्र के लिए महत्वपूर्ण है। हम देखते हैं कि शिक्षक दिवस में आज कुछ ज़्यादा ही होता है, लेकिन शिक्षक और शिष्य के बीच में एक सम्मान का आदर की भावना रहनी चाहिए, उसका मर्यादा नहीं खोना चाहिए और शिक्षक के सम्मान को जागृत करने का एक अच्छा अवसर है 5 सितंबर। और इस दिन को हम सभी शिक्षक को सम्मान करें और ये दिन जो है इसका ध्यान रखते हुए हर छात्र जो है अपने को प्रेरित करे कि हम भी कुछ करें अपने शिक्षक के सम्मान में। शिक्षक जो इतना मेहनत करता है, हम भी उतना मेहनत करें और कुछ करें, क्योंकि शिक्षक जो है एक मोमबत्ती की तरह होता है, जो ऐसे मोमबत्ती जलता है अपने लिए जल कर राख हो जाता है, गल जाता है, लेकिन वह चारों तरफ उजाला रोशनी करता है। और जो उसी तरह मोमबत्ती की तरह शिक्षक भी कड़ी मेहनत करता है कि ये छात्र जो है वो आपका बहुत आगे तक निकले। इसके साथ ही दोस्तों, शिक्षक दिवस पर आप सभी को एक बार फिर शुभकामना और बधाई। तो दोस्तों, आज के इस टॉपिक पर बस इतना ही और अगले टॉपिक पर हम फिर आपसे मिलेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से फिर आग्रह है कि मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में भी इसको प्रेरित करें।